एक बार फिर से दहाड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये गेंदबाज। एक बार फिर से धूम मचाने के लिए, चोटिल होकर वापस आने के लिए तैयार है ये गेंदबाज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिसको वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा मिस किया, वो एक बार फिर से जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। कौन है वो गेंदबाज, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भले ही अभी उथल पुथल चल रही हो, पीसीबी एंड ऑल सारी चीज़ें चल रही हो, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर सामने आई है। वो चीज़ है नसीम शाह का फिट होना। दरअसल नसीम शाह, जो कि पिछले साल एशिया कप 2023 में चोटिल हो गए थे, चोट का सामना उनको करना पड़ा था, उसके बाद से ODI वर्ल्ड कप 2023 भी उन्होंने मिस किया और पाकिस्तान वालों ने उनको उनसे ज़्यादा मिस किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी पूरी तरीके से डह गई थी नसीम शाह के जाने से, क्योंकि वो टीम की जो तिगड़ी थी उनकी वो टूट गई थी। हारिस श्रॉफ, नसीम शाह, शाहीन शाफरी, ये जो तीन पेस बैटरीज थी, पेस बैटरी की जो तिगड़ी थी वो पूरी तरह के तरीके से टूट गई थी। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की टीम को क्राइसिस झेलना पड़ा था और बहुत ज़्यादा उसका नतीजा देखने को मिला था हमें वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान की पूरी टीम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। हारिस श्रॉफ की इतनी पिटाई हुई थी, सारे ही बल्लेबाजों ने हारिस श्रॉफ को जमकर कूटा था। साथ ही बात करें शाहीन शाफरीदी, उनकी तरफ से भी उतनी ज़्यादा धार नज़र नहीं आई। बचे नसीम शाह को इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि उनके अंदर ना केवल लाइन लेंथ है बल्कि उनके पास पेस भी है, और जब लाइन लेंथ और पेस दोनों आपकी अच्छी होती हैं तो आपके विकेट्स ही मिलते हैं, आपको बेहद ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं। अब आप बात कर लेते हैं नसीम शाह की फिटनेस की। दरअसल नसीम शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो डाला है जिसमें वो सिंगल स्टंप को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार उखाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जानते हैं सिंगल स्टंप के आगे गेंदबाजी करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको फोकस्ड रखना पड़ता है अपना, क्लियर आपका फोकस एक ही डंडे पे होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है सिंगल स्टंप के आगे गेंदबाजी करना। आप सोचिए, आप उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार डंडे उखाड़ दिए और सबको ये बता दिया कि मैं अब आने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 5 T20 मैचेस खेलने हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड दौरे में ही है, उम्मीद करेंगे नसीम शाह जल्दी वापसी करें। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है नसीम शाह वापसी के बाद कितने ज़्यादा घातक होने वाले हैं।